सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। आज 4 सितंबर 2023 को हम लोग जा रहे हैं नावेतली ग्राम सभा पैदल मार्ग, जहां पर गिव बचाओ अभियान गोष्ठी का आयोजन है, जिसमें गिव बचाने में मेरी भागीदारी हेतु ग्रामीणों का सहयोग लिया जाएगा, क्योंकि नावेतली ग्राम सभा के पहाड़ी जो जंगल एरिया वहाँ पर गिव कटा है, जिसमें बहुत सी उत्तराखंड। वर्तमान में उत्तराखंड में जो गिद्ध बचे हुए हैं वो लगभग 500 से 600 के आसपास बचे हुए हैं। 1980 से पहले इनकी संख्या 60 से 70 हजार के आसपास थी, और इनके अड्डे जहाँ पर ये घोंसला बनाते थे, बैठते थे, उनमें इनकी संख्या इस समय 15-16 शेष बची हुई, जबकि पहले इनके अड्डों की यानी अस्थायी अड्डों की संख्या 700 से अधिक थी। इनके जो प्रजातियाँ कह सकते हैं 80 के आसपास जो देखा गया है, लगभग 10 प्रकार की प्रजातियाँ उत्तराखंड में रहती थी या घूमती थी, लेकिन अब 3 या 4 शेष रह गया जो हमें कम दिखाई देते हैं। नावेतली जो पास का अड्डा है, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 20 या 25 गिद्ध शेष बचे हैं। पहले इनके यहाँ पे नावेतली में जब कहा जाता था कि मैं आया था 2008 में, जब मैंने देखा नावेतली का, तो उससे पहले यहाँ में 100 से अधिक गिद्ध रहते थे। ये मुझे बताया गया 1990 के आसपास। इनके कमी का कारण 1985 से 1991 में इनकी संख्या में 90% की कमी पाई गया, जबकि 1991-2023 तक 99% के गिद्धों में लगातार कमी दर्ज किया गया। इसका कारण क्या होता है? सबसे अधिक कारण हो गया कीटनाशक का प्रयोग जो हम लोग गांव में करते हैं। नंबर 2 भोजन की कमी, 3 वनों में आग लगना। इनके अड्डों के आसपास जब बहुत ज़्यादा आग लग जाता है मार्च अप्रैल में फरवरी में से, जब से इनका ये कह सकते हैं प्रजनन काल होता है, उसके बाद आग लगता है, तो कहीं ना कहीं ये उससे क्या होते हैं, परेशान होते हैं, दिग्भ्रमित होते हैं। और मानव गतिविधियाँ इनके अड्डों के आसपास क्या होता है, बहुत अधिक मानव गतिविधियाँ बढ़ी हैं। इनको बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा मुख्य रूप से कार्य? नंबर 1, इनके आवागमन मार्ग को सुरक्षित करना पड़ेगा हमें, जहाँ से आते जाते हैं। नंबर 2 कह सकते हैं कि इनके लिए भोजन की व्यवस्था हमें करनी, जो हमारे मृत मवेश मरते हैं उनके लिए एक सुरक्षित स्थान पर इनके लिए रखना। नंबर 3, कीटनाशक का पूर्ण प्रतिदिन पूरे इलाके में कीटनाशक का प्रयोग बिल्कुल न किया जाए किसी भी रूप में। इनके अड्डों को पुनर्जीवित करना, पुनर्जीवित करके ताकि इनमें गिद्ध आ सके। अगला, इनके अड्डों के आसपास मानव गतिविधियों से पूर्ण रूप से प्रतिबंध करना, आग हो गया ध्वनि से, और वर्ष भर इन पर नजर रखना। ये मुख्य जो पूरी एक हादसे निकल रहा है, आप चाहे उसका कहे अधिक आधार देखे, चाहे आध्यात्मिक आधार देखे, आपको गिद्ध कहीं ना कहीं महान ही दिखाई देगा। बाकी आप वो बचा मैंने जो है आज गिद्ध संरक्षण के बारे में ये विचार रखा गया है कि गिद्ध किस तरह से बच सके। गिद्ध ज्यादा से ज्यादा गिद्ध बचे और इन्होंने अपना स्थान परिवर्तन कर दिया है। जैसे जैसे यहाँ सुअर नहीं थे पहले, तो अब सुअर यहाँ आ गए हैं, और उसी प्रकार चिड़िया भी अनेक जगहों में स्थान बदल गए हैं। इसी क्रम में हम आगे कोशिश करेंगे कि ये इनसे पहला ये है कि कोई जानवर मरता है तो 1 मिनट में उसको साफ कर देते हैं, एक दूसरे पर निर्भर है। मतलब आज कुमृत जी ने गिद्ध बचाओ अभियान के लिए एक गोष्ठी रखी है, जिसमें कि हमारा भविष्य यानी छोटे बच्चे और बड़े बूढ़े, तो बूढ़े हो गए लेकिन अब छोटे बच्चों को इस बात बारे में ध्यान देना जरूरी है। छोटे बच्चों को जैसे चिड़िया है, गिद्ध भी जो है चिड़िया जाति में है, पक्षी जो है ये पक्षी जाति में आते और हाँ जी, तो मैं आप लोगों के सामने अपने भाषा में बोलूंगा, ईश्वर दरबार बजे की जब हम कभी मन लगो थे हमें छोड़ना ही कि हम जब तो गुलाम चाहिए जब तो पूजा करना चाहिए, जब मन लगो कृष्ण भगवान मतलब दो कृष्ण भगवान है पूजा कर आपदार कर बोली झंडा मिली जाए और सुबेर मतलब कहीं पांच घर जान चलते वे बस मतलब आसमान में गरुड़ राम छा मतलब 4 बजे सुबेर वो लेकिन जाओ बिल्कुल बिल्कुल तुम्हें अमल इतिहास लेकिन सुनिए बात बोला अमल मतलब जो अमल मतलब जो है अब कई दिन लेकिन
कुछ जीवन ही नहीं हमारा मना जन की घरवाली जो हमारा मन गौर है बोल दो जो कुकरे जील मन जो मन बोलते जो घर बचाना बांधे बच्चा बचाना बांध मन के काम के हाँ जी तो हम वो घरवाली घर गौर है बोल दी हिंदी में तो गौर है जो तो हमारे दगड़ है मनुष्य दगड़ मन जब मनुष्य जन्म आए मनुष्य जन्म वो की गौर है जन्म अरे वो हमारे दगर मतलब जो थे आज तक जब ये आगा मनुष्य राहुल लेकर आज तक मतलब जो थे करोड़ों की आवाज कल मनुष्य भैया तो करोड़ों की आवाज मतलब आज मतलब घरूरी है वो तो छे हम नहीं चल रहे दस दिन भारत में चल जाओ चल भारत चल जाओ हम घर चल जाओ चाहे अन्न से वो अनादेश चल रही उसमें बड़ी बोल मैं बोलो जो होगी भाई मतलब ये भड़क चोर हो कितो महीने काम करो जाओ कि जगह अन्न मिल तो था बिना बिल से ये वो बड़ा का वो बोल दो हां जी ये बात मिल नहीं आ रहा बोल जाओ खाली इस पंचायत सम्मानित गुरु इस दिशा में कदम रखते चले उनको अपना अमूल्य समय दिया है और गहराई से सुन रहा था कि देखो हमसे ज्यादा जीवन गुजार लिया है तो मौन भाव सभी बदकदियों का होने की गोष्ठी भी है कि किस तरह जब एक पशु पक्षी को संगठित करने के लिए हम ये प्रयास कर सकते हैं तो समाज पूरी एक खाद्य श्रृंखला है आप जा उसका तैयारी का आदर देखे चाहे आध्यात्मिक का आदर देखे आपको कहीं ना कहीं महानी दिखाई देगा बाकी आप एक पहाड़ी है जिसे बंदों की झूठी भी शायद कहते हैं और यह बात होगी वो पूरी बल्कि ये कोई ये तरफ कुछ देख बचा कि आज भी नहीं मतलब विशेष अच्छा मतलब मुझे होगा या आज मैं गीत बचाओ अभियान के तहत नावेतली ग्राम सभा में हूँ तो मैं मातृशक्ति का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि सारे गांव के सभी मातृशक्ति आज उपस्थित है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप क्या आप पहाड़ी में गीत छे जिन आज नावे तली ग्राम सभा रिखणीखाल पौड़ीगढ़ उत्तराखंड में गीत बचाओ अभियान के तहत गीत बचाने में मेरी भागीदारी के अंतर्गत एक गोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें यह सभी के द्वारा यह कहा गया कि एक तो गीत के मार्ग को सुरक्षित किया जाए गीत के लिए भोजन जो हमारे मृत मवेशी एक निश्चित स्थान में रखा जाए मनों में आग न लग जाए इस संकल्प के साथ सभी लोगों ने नावे तली के जितने भी ग्राम सभा के जितने भी यहाँ पे लोग हैं सभी ने गीत बचाने में अपनी भागीदारी निभाई और साथ ही जो पास में जो गीत का जो अड्डा है उसके संरक्षण के लिए सभी ने अपने सहयोग देने की पेशकश की तो निश्चित तौर से नावे तली के पास में जो जंगल है यहाँ से जो मार्ग गीतों का है या गीत का अड्डा है निश्चित तौर से सभी की भागीदारी से यह अड्डा एक समय ऐसा आएगा कि जहाँ गीतों की संख्या लगातार वृद्धि होगी तो हमारे उत्तराखंड में इसका नाम होगा पूरे राष्ट्र में इसका नाम होगा। इसी के साथ मैं सभी का सहयोग से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ नावे तली ग्राम सभा के सभी महानुभावों का किसी तरह से उनका सहयोग मिलता रहेगा और इस क्षेत्र में गीत के साथ साथ सभी पक्षियाँ बचती रहेंगी। धन्यवाद।